बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ेंगे। बॉर्न हेबर साइकिल को बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं मैक्स बॉर्न और फ्रिट्ज हेबर, इन्होंने सबसे पहले जो आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिकों के लिए जालक ऊर्जा का प्रायोगिक निर्धारण किया। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जालक ऊर्जा या लेटाइस एनर्जी क्या होती है। तो जब भी कोई आयनिक यौगिक बनता है तो वह अपने आयनों से बनता है। तो ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये क्रिस्टली फॉर्म में है। तो जब किसी भी क्रिस्टल जालक का एक मोल बनता है विपरीत आयनों से, तो इस दौरान जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है या उनके बनने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ये होती है जालक ऊर्जा। इसे हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी एक मोल क्रिस्टल का अपने आयनों में जब वो विभक्त होते हैं तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे भी हम कहते हैं जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, एक कि विपरीत आयनों से क्रिस्टल जालक का बनना और दूसरा किसी भी क्रिस्टल जालक का उनके विपरीत आयनों में विभक्त होना। तो इसे बॉर्न हेबर साइकिल के द्वारा हम सबसे पहले समझेंगे एक उदाहरण लेकर, सोडियम क्लोराइड का बनना। तो चूंकि सोडियम क्लोराइड आप सभी जानते हैं कि सोडियम और क्लोरीन से बना है, लेकिन इसके बनने में कई सारे स्टेप्स भी शामिल होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से सोडियम क्लोराइड का जो बनना है उस समीकरण को देखिए। सोडियम सॉलिड स्टेट में है प्लस क्लोरीन हाफ क्लोरीन फॉर्म में, तो ये बनता है यहाँ पर NaCl सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर एक सिंगल स्टेप में भी NaCl बन सकता है। दूसरा, हम अलग अलग पदों में जब देखेंगे तो सबसे पहला स्टेप है कि सोडियम धातु का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जब हम कहते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट हम गैसीय स्टेट में पहुँचते हैं, तो सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बना। यहाँ पर जो डेल्टा एच का मान है वो प्राप्त होता है 108 किलो जूल पर मोल। दूसरा जो पद है यहाँ पर क्लोरीन अणु का वियोजन हो रहा है, तो क्लोरीन अणु को यहाँ हाफ Cl2 के फॉर्म में लिया गया है। तो हाफ Cl2 से वह परिवर्तित होता है Cl परमाणु में। तो इस दौरान जो डेल्टा एच का मान है वो है 121 किलो जूल पर मोल। तीसरा पद जो है आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, तो सोडियम से सोडियम आयन का बनना। यहाँ सोडियम गैसीय स्टेट में है, यह सोडियम आयन में परिवर्तित हुआ और इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो चूंकि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होती है आयनन एंथैल्पी, आप ये जानते हैं। तो यहाँ पर सोडियम गैसीय स्टेट से सोडियम आयन बना, इस दौरान भी कुछ एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ, तो इस एंथैल्पी का मान है 495 किलो जूल पर मोल। चौथा पद यहाँ पर Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और Cl- में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैसे? इलेक्ट्रॉन बंधुता का अर्थ है कि जब भी किसी विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है वह होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर चूंकि Cl परमाणु है जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्लोराइड आयन में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर डेल्टा एच का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा -348 किलो जूल पर मोल। चूंकि यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो जो एंथैल्पी का मान है वो देखिए नेगेटिव साइन लिए हुए है। अगला स्टेप में देखिए यहाँ पर पद 5 जो है, यहाँ सोडियम आयन भी तैयार हो गया है, Cl- भी तैयार हुआ है दो अलग अलग पदों में। अब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। जो हमने परिभाषा देखा जालक ऊर्जा के लिए, जब भी वो तैयार होगा तो कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ये उसकी जालक ऊर्जा है। तो जो पांचवा पद है वहाँ पर हम ये शो करेंगे कि Na+ Cl- NaCl, डेल्टा एच नॉट 5 इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये हमें ज्ञात नहीं है और यही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन देखे थे कि सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड का बनना, तो उसमें कितनी एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक स्टेप में जो एंथैल्पी परिवर्तन है सोडियम क्लोराइड के बनने में वह मान है डेल्टा एच इक्वल टू -411
किलो जूल पर मोल। यहाँ पर जब हम सभी पदों को योग करेंगे तो देखिए डेल्टा एच वन नॉट प्लस डेल्टा एच टू नॉट प्लस डेल्टा एच थ्री नॉट प्लस डेल्टा एच फोर नॉट प्लस डेल्टा एच फाइव नॉट इक्वल टू माइनस 411 किलो जूल पर मोल। तो माइनस 411 किलो जूल पर मोल जो है वो एक पद में सोडियम क्लोराइड के बनने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान था वो हमने लिखा। अलग अलग पदों में जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान हमें प्राप्त हुआ है उसे हम लिखेंगे। सबसे पहले पद में जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वह है 108 किलो जूल पर मोल प्लस 121 किलो जूल पर मोल प्लस 495 किलो जूल पर मोल माइनस 348 किलो जूल पर मोल और माइनस यहाँ डेल्टा लेटाइस एच नॉट जो कि यहाँ जालक ऊर्जा ज्ञात करना है वो मान है इक्वल टू माइनस 411 किलो जूल पर मोल। तो जब यहाँ जालक एंथैल्पी का मान ज्ञात करते हैं तो वह मान प्राप्त होता है 787 किलो जूल पर मोल। तो आपने देखा कि किस प्रकार बॉर्न हेबर साइकिल की सहायता से हम अलग अलग पदों के आधार पर भी सोडियम क्लोराइड के लिए जालक ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। तो बॉर्न हेबर साइकिल की सहायता से भी हम हेस के नियम को समझ सकते हैं।